In the last video, we studied about the archaeological sources, and now we will study about the economic developments. Economic developments के बारे में सबसे मेन चीज ये बता दूँ आप लोगों को कि as we know very well that from 8th to 18th century, the different types of developments took place in people's life. Now they developed a lot and technological development also took place. तो अब बात करेंगे हम लोग economic developments की. तो इस पीरियड में जो सबसे खास चीज़, जो सबसे मेन चीज़ हम लोग देखते हैं, द पीरियड विटनेस्ड एक्सटेंसिव क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट विच वॉज मोर रैपिड इन सम एरियाज देन अदर्स. क्योंकि अब जो लोगों की ज़रूरतें थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी. अब उनको अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत थी. इस वजह से उन लोगों ने क्या किया कि तेज़ी से जंगलों को साफ करना शुरू किया, पेड़ों को काटना शुरू किया, ताकि उसको काट कर वो अपने ज़रूरत की चीज़ों को बना सके. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि मोस्टली द पीपल वेयर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इट मींस ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द पीपल लिव्ड इन द फॉरेस्ट दैट एरा. And at that moment, they were totally dependent on the forest. And these rulers went into the forest and started to cut trees, and they just kicked them out from the forest, and they forced them to dwell in the cities. And they also forced them to find different occupations for them. तो इसमें ये कह रहा है कि जो जंगल में रहने वाले जो किसान थे, जो जंगल के लोग थे, उनको वहाँ से खदेड़ के बाहर निकाला गया, क्योंकि जंगलों को तो काट दिया गया था, तो वो जंगल में रह के करते क्या. और उनको फोर्स किया गया कि वो अपने नेचुरल जो उनका जो हैबिटेट है, जो प्राकृतिक आवास है, उसको छोड़कर वो दूसरे जगह, दूसरे एरियाज में दूसरे ऑक्यूपेशंस को, दूसरे पेशा को चुने. तो जब उनको वहाँ से निकाला गया तो उनमें से कुछ लोगों ने जो है सो अपने मर्जी के मुताबिक पेशा चुना. सबसे पहले तो उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया. उनमें से एक जो बहुत बड़ा तबका था, जो बहुत मेजोरिटी ऑफ पीपल थे, उन्होंने खेती चुना, जिसमें कुछ लोगों का काम बीज बोना था, फिर कुछ खेत को जोतते थे, फिर कुछ पीजेंट्स का काम, फसल पक जाने के बाद उसकी कटाई का काम था, फिर कुछ लोग उसकी टिलिंग करते थे. इस तरह से सब ने अपना अपना काम जो है सो बांट लिया था. अब इसमें मेन चीज़ ये देखने वाली है कि जब इतने बड़े आबादी ने जब खेती को अपना आधार बनाया, अपने जीवन का आधार बनाया, अपने रोजी रोटी का, अपने लिवलीहुड का आधार बनाया, तो उस ज़माने में जो राजा महाराजा रह रहे थे, उनका ध्यान सीधा किसानों पे गया. उन्होंने ये सोचा कि ये इतने बड़े मात्रा में जब अनाज ये उपजा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सारा अनाज तो वो खाएंगे नहीं, वो बेचेंगे भी. तो जब किसान अपने अनाज को मार्केट में बेच देते थे, उसके बाद राजाओं ने सोचा कि क्यों ना इनसे टैक्स वसूला जाए, जो एक रेवेन्यू का भी एक जरिया बन जाएगा, जिससे कुछ पैसे भी आ जाएंगे राजा के पास, लोगों को, प्रजा को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. अब इस पर क्या हुआ कि उन किसानों से जो सो टैक्स लेना शुरू किया उन राजाओं ने. उस वक्त जो भी किसानों ने खेती को अपना आधार बनाया, अपने जीवन का आधार बनाया, उसमें स्मॉल फार्मर्स भी थे, जिसको पीजेंट्स कह सकते हैं हम लोग, और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स भी थे. तो इस आधार पर जो है सो एक इकोनॉमिकल ग्रुप में वो लोग बट गए, मतलब के कुछ गरीब किसान बन गए, कुछ ज़मींदार बन गए. जो गरीब किसान थे वो अपने खेतों पे अपने परिवार के साथ मिलकर खेती करते थे, जो लैंडलॉर्ड्स बन गए वो खेती के अलावा भी और भी बहुत सारे धंधे करते थे, उनका और भी ऑक्यूपेशंस होता था, मशीनरीज का,
या मार्केट में कुछ चीज़ें बेचते थे, वो ट्रेडिंग में वो जो है सो शामिल हो गए। आप उनके खेतों पर जो है सो छोटे छोटे किसान जो है सो वो खेती करते थे, उनको या तो रोज़ाना पैसे दिए जाते थे या अनाज में से ही जो है सो उनको एक हिस्सा दे दिया जाता था। इसके अलावा भी कुछ किसान थे जो खेती के साथ साथ जानवर भी पालते थे और साथ में कुछ चीज़ें बनाते थे और ज़रूरत की चीज़ें बनाते थे और लोगों को सप्लाई करते थे, मार्केट में बेचते थे। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के जो लोग एक ही समाज में जब बट गए, अब एक नया आइडियाज़ ने जन्म लिया कि क्यों ना जितने भी ऑक्यूपेशंस करने वाले लोग हैं उनको जाति में बांट दिया जाए, मतलब कि जो जो काम कर रहा है वो उसी जात का होगा। जैसे अगर कोई लोहे का काम कर रहा है, लोहे के औजार बना रहा है तो वो लोहार हो गया, लकड़ी के काम करने वाले जो है सो वो कारपेंटर बन गए, सोने का जेवरात बनाने वाले गोल्डस्मिथ बन गए। इसी तरह से उन्होंने जाति पे डिवाइड कर दिया पूरे सोसाइटी को। अब उनकी पहचान अपनी जाति से होती थी और जितनी भी जातियाँ थी उनका अपना एक अलग कल्चर था और वो एक अलग रिचुअल्स को फॉलो करते थे। वो रिचुअल्स जो उनके पूर्वजों के द्वारा, जो उनके बाप दादा या परदादा के द्वारा फॉलो किया जाता था, उसको वो लोग फॉलो करते थे और अपने रिचुअल्स को उसी के आधार पे वो चलाते थे और उनके बाकी दिन, बाकी जो रोज़मर्रा के जो काम काज थे वो भी उसी के अनुसार जो है सो वो लोग फॉलो करते थे। अब इसमें एक चीज़ बता रहा है, नई चीज़ है रीजन एंड एम्पायर, मतलब जो राजा महाराजाओं की जो सल्तनत, बड़े बड़े राजा जो 8th से 18th century के बीच जो जिन्होंने अपना दबदबा बनाया, अपने सल्तनत को कायम किया और भारत के कॉन्टिनेंट्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पे के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे उन्होंने जो शासन किया, और उनके अंदर एक चीज़ और पैदा हो गई कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना है हमें। इसके लिए उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स किया, उनके बीच बहुत सारे संघर्ष हुए, लेकिन जो बेसिक चीज़ें थी, जो कल्चर्स था उनका और जो उनके बिलीव्स थे, रिचुअल्स थे, उसको उन्होंने चेंज नहीं किया। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, बाकी जो दूसरे राजाओं के क्षेत्र के सल्तनत में या दूसरे शासक जो अपने राज्य में जो चेंजेस ला रहे थे, उस चेंजेस ने दूसरे राज्य के राजाओं को थोड़ा प्रेरित किया कि वो भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए। अब 8th से 18th century के बीच में ही हम लोगों को पता है कि मुग़ल सल्तनत की नींव पड़ी और इसका राइज भी हुआ और फिर उन्होंने अपनी शक्ति खो भी दी। अब बात करेंगे हम लोग रिलीजन के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया आर हिंदूज, के ये जो हिंदू धर्म है हमारे देश में, ये एक मेजोरिटी ऑफ पीपल मतलब कि एक बड़ी आबादी जो है, क्योंकि हमारे देश का नाम भी हिंदुस्तान है और इसी वजह से ये नाम रखा भी गया था कि हमारे देश में जो है सो ज़्यादातर जो लोग हैं, एक बहुत बड़ा पार्ट जो है आबादी का वो जो है सो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है। और ये हिंदू रिलीजन जब आया हम इस भारत देश में, सबसे पुराना रिलीजन रहा है, तो इसमें भी जो है सो जातियों में जो है सो बांट दिया गया लोगों को, मतलब कि उन्होंने अपने पोजीशन के हिसाब से वर्ण में बांट दिया इस धर्म को, जिसमें सबसे ऊपर सबसे पहला नाम ब्राह्मण्स का आता है। ब्राह्मण्स ने अपना पोजीशन अपने नॉलेज के बलबूते पे बनाया, क्योंकि उस ज़माने में जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उसका सबसे ज़्यादा ज्ञान ब्राह्मण्स को था, और जो रिचुअल्स होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, जो कल्चर होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा ज्ञान वो लोग रखते थे और पूजा पाठ वही करवाते थे। तो अपने स्किल के हिसाब से उनके बलबूते पर उन्होंने अपना पोजीशन बनाया समाज में। फिर उसके बाद नए नए देवी देवता फिर इंट्रोड्यूस्ड हुए, उनकी पूजा अर्चना होनी शुरू हुई। अब उसके बाद जो राजा महाराजा थे
वो ब्राह्मणों को बहुत सारी ज़मीनें दान में देते थे। फिर इसके बाद टेम्पल्स के लिए भी वो ज़मीन दान करते थे जिसपे टेम्पल्स बनाया जाता था। उसके बाद भक्ति मूवमेंट आया। भक्ति मूवमेंट में जो भक्ति मूवमेंट के जो सेंट्स थे, जो साधु संत महात्मा थे, उनका ये कहना था कि इन्होंने एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि भगवान से की अर्चना, साधना, उनकी उनसे प्रार्थना, उनकी पूजा करने के लिए बीच में किसी मीडियम का ज़रूरत नहीं है, किसी मीडियम का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट भक्त है अगर कोई, सीधा जो है सो वो चिंतन करके, मेडिटेशन करके डायरेक्ट जो है सो ईश्वर से जो है सो कनेक्शन कर सकता है अपना। तो ये इस तरह के थॉट्स को जो लोगों ने स्प्रेड किया वो सेंट्स थे, और ये भक्ति मूवमेंट कहलाया। फिर उसके बाद सिख धर्म इंट्रोड्यूस्ड हुआ। उसके बाद जब भारत में ट्रेड काफ़ी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था, तो 7वीं सदी के शुरुआत में जो है सो कुछ मुस्लिम ट्रेडर्स, व्यापारी जो है सो मुस्लिम कंटिनेंट से, मुस्लिम देशों से जो है सो वो लोग आए और अपने साथ एक नई सोच लाए। तो पहले से हमारे देश में हिंदू, सिख वगैरह जो रिलीजन्स के लोग हैं वो ऑलरेडी रह रहे थे, तो साथ में एक इस्लाम रिलीजन जो है सो ये भी इंट्रोड्यूस्ड हुआ। उन लोगों ने यहाँ व्यापार भी किया और अपने रिलीजन को इंट्रोड्यूस्ड किया। फिर उसके बाद इस रिलीजन को थोड़ी सी ताकत ज़्यादा मिली जब मुग़ल एम्पायर यहाँ आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके मानने वालों में जो है सो थोड़ा सा जो है सो इजाफा हुआ, इसके मानने वाले ज़्यादा बढ़े। और उस वक्त एक इम्पोर्टेंट रिलीजन माना जाता था इस्लाम, क्योंकि मुग़ल जो रूलर्स थे वो लोग यहाँ राज कर रहे थे। अब रिलीजन के बाद जो चीज़ें हमें पढ़नी हैं वो इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर्स में दी गई हैं, जिसका हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि नाम ही है इस चैप्टर का कि ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, मतलब हम लोगों को 1000 साल में जो चीज़ें बदलाव आई हैं, पॉलिटिकल, सोशल, ज्योग्राफिकल चेंजेस जो आए हैं उसके बारे में स्टडी करना है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स इन ए सिंगल चैप्टर, सो वी विल कंटिन्यू इट इन टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे मैं अपने इस चैप्टर को फिनिश करता हूँ।